आज भादराबाद में ये कार्रवाई की है, जो शनिदेव मंदिर है उस पर आज बुलडोजर चला है। बताइए, चाहे वो सिंचाई विभाग की जमीन से हो, चाहे वो वन विभाग की जमीन से हो, चाहे वो अन्य नगर निगम की जमीन से हो, अतिक्रमण पर जो है लगातार कार्रवाई अब देखा जाए तो उत्तराखंड में की जा रही है। लेकिन अब एक बार रूडी बेल वाला क्षेत्र से लेकर जो भीमगोड़ा पार्किंग पंचदीप मैदान क्षेत्र है, क्या वहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई आगामी दिनों में देखने को मिलेगी? नमस्कार, इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं और एक और बड़ी खबर को लेकर आपके बीच में इस समय हरी टीवी जुड़ चुका है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार जारी थी, हालांकि हरिद्वार में बीच में जो कांवड़ मेला आया इसके दौरान कुछ 20-25 दिनों में जो है वो कार्रवाई देखने को नहीं मिली चूँकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब ये कार्रवाई जो है फिर शुरू हो गई है। अब ये कार्रवाई जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, जो 2011 से राष्ट्रीय राजमार्ग का जो चौड़ीकरण करने का कार्य है NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग जो है देखती है पूरा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने विद 18 प्लस इयर्स ऑफ एक्सीलेंस देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी इनवाइटिंग एडमिशंस फॉर सेशन 2023, चूज योर ऑप्शंस फ्रॉम 120 प्लस प्रोग्राम यूनिवर्सिटी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। आज भादराबाद में ये कार्रवाई की है, जो शनिदेव मंदिर है उस पर आज बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि पहले मंदिर को नोटिस जारी किया गया था, उसमें उनको फिर मुआवजा भी दिया गया, और जब आज ये कार्रवाई हुई तो वहाँ पर कई अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, NH के साथ साथ हरिद्वार प्रशासन के अधिकारी थे, और जो मंदिर की समिति थी उसने कोई आपत्ति भी नहीं जताई, चूँकि हाईवे का चौड़ीकरण होना है, विकासशील जो कार्य हरिद्वार में और उत्तराखंड में जिस तरीके से चल रहे हैं उसके अंतर्गत आज ये मंदिर को जो ढांचा था उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। और जिस तरीके से पूर्व में भी देखा गया, प्रदेश में जो है लगातार जो धार्मिक संरचनाएं हैं उनको हटाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है, चाहे वो सिंचाई विभाग की जमीन से हो, चाहे वो वन विभाग की जमीन से हो, चाहे वो अन्य नगर निगम की जमीन से हो, अतिक्रमण पर जो है लगातार कार्रवाई देखा जाए तो उत्तराखंड में की जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी हरिद्वार में फिलहाल कोई अतिक्रमण पर या कल के दिनों में देखने को नज़र नहीं आ रही है, तो देखना होगा कि अब ये कार्रवाई हरिद्वार में कहाँ होगी, क्योंकि जिन अतिक्रमण जो हटाया गया था पिछले कुछ दिनों पूर्व वो जो है उसमें अब अधिकांश जगहों पर दोबारा से जो है अतिक्रमणकारी आके बैठ गए हैं। अब देखना होगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं अतिक्रमण को मुक्त कराने की बात उन्होंने कही है, तो क्या अधिकारी जो हरिद्वार में तैनात हैं वो फिर आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। एक बार रूडी बेल वाला क्षेत्र से लेकर जो भीमगोड़ा पार्किंग पंचदीप मैदान क्षेत्र है, क्या वहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई आगामी दिनों में देखने को मिलेगी? तो खास खबर के लिए हरिद्वार में मौजूद थे, फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।